What is the biggest hurdle according to you to earn money out of graphology? Okay, NP says time. Nitesh, marketing. Convince. Varsha Vora says convince. Okay. Presenting. देखो अंजना बोलती है नो, अलका बोलती है नो. Then what is the secret? Since last 14 years, I have been decoding the mystery of symbols, logos and graphology to unleash the life, business and finances. Self-improvement first. That is the key, guys. Unless and until you use this science to improve yourself, there is no money. Write it down. This is called as earn the right. Earn the right. जब तक आप ये साइंस का यूज खुद पे यूज करके बदलते नहीं हो, तो दुनिया आप पे भरोसा रखने वाली नहीं है. दुनिया सब समझती है. मार्केट को पता है आप कितने लोगों को बेवकूफ बनाओगे. आप बेवकूफ नहीं बना सकते किसी को. मार्केट को पता है आपने यूज किया है कि नहीं किया है साइंस को. तो विदाउट चेंजिंग यूर सेल्फ विद द हेल्प ऑफ साइंस, यू विल नॉट बी एबल टू अर्न मनी आउट ऑफ इट. ये वो सभी लोगों के लिए है जो मेरे को परेशान कर रहे हैं कि सर मैं कार्ड छपवा दूं, सर मैं कंसल्टेंसी चालू कर दूं, सर मेरे को हो गया कोर्स कंप्लीट कर दूं मैं. तो भैया कर दो, लेकिन पैसा तुमको तभी मिलेगा जिस दिन आप खुद के ऊपर वो साइंस यूज करके लाइफ को बदल देते हो. आपका खुद का क्यों मुझको इतना ज्यादा सक्सेस रेट है ग्राफोलॉजी में आज की डेट पे? क्योंकि मैंने मेरा लाइफ चेंज किया है. मैंने मेरा लाइफ ग्राफोलॉजी का यूज करके, देखो मैं तो एक सादा सा इंसान था, सादा सा पुरुष, जहां पे मैं डरता था बॉस से बात करने के लिए, कुछ बड़ा काम करने के लिए, अनजान जगह जाने के लिए. लोगों के सामने जब खड़ा होता था ना, तो पैर ऐसे कपकपाते थे, पता है? मतलब पब्लिक को पता नहीं होता था कि मेरे जो पैर अपने आप में जो है वो ब्रेक डांस कर रहे. तो पैर का आवाज ऊपर से नीचे हो जाता था, वॉल्यूम इतनी बार ऊपर से नीचे हो जाता था कि उनको भी नहीं समझता कि ऑडियो में प्रॉब्लम है कि आदमी में प्रॉब्लम है. तो वहां से मैं यहां तक पहुंचा हूं. कैसे? हैंडराइटिंग को चेंज करके. इंग्लिश बोलने को नहीं होता था, अभी मैं इंग्लिश बोल पाता हूँ कंसिस्टेंटली. 2 घंटा भी जब भी लेक्चर देता हूँ इंग्लिश में सिखाता हूँ. ये सभी चीजें मुझ में बदल हुई है ग्राफोलॉजी को यूज करके. मैं एक अच्छा आदमी बना हूं. बहुत ईगोस्टिक था, मैंने ईगो कम करवाया. बहुत ही इरेगुलर था, मैं रेगुलर हो गया. बहुत ही अनऑर्गेनाइज था, मैं ऑर्गेनाइज हो गया. कॉन्फिडेंस नहीं था तो कॉन्फिडेंट बन गया. रिस्क लेना चालू किया. ये सभी चीजें जब मैंने धीरे धीरे, उसको कितना साल लगा, मेरे पास से 6-7 साल लगा मुझको ये सब चीजें चेंज करने में. पर जब चेंज हुआ तो देखो अभी तो चांदी चांदी है यार. मतलब आज मैं बोलता हूँ और लोग पैसे दे देते हैं. मैं बोलता हूँ बिजनेस हो जाता है. बड़े बड़े बिजनेस के सामने बैठता हूँ, मैं डरता नहीं हूँ. क्यों नहीं डरता पता है? बिकॉज एक्सपीरियंस साथ में. मैंने ये साइंस को यूज करके अनुभव किया है, तो मेरा अनुभव तो मेरे को शेयर करना है. आप में से कितने लोग बड़े आदमी के सामने खाना खाने के लिए डरेंगे? नहीं ना, सब लोग तो खा पाएंगे ना. हाथ बराबर जाएगा ना, आंखें बंद करेंगे तो हाथ इधर ही जाएगा. इस लेवल पे जब ये साइंस का प्रैक्टिस आपका चला जाएगा, तब आपको भी डर नहीं लगेगा. जितनी बार आपने खाना खाया उतनी बार ग्राफों का भी सोचोगे तो भी वो चीज आपकी अचीव हो जाएगी जो मैं बोल रहा हूँ. यू विल बी एबल टू अर्न मोर मनी आउट ऑफ इट. ओके, तो ये संदेश है आप सबके लिए कि खुद पे पहले यूज करो, खुद रिजल्ट लो, R&D करो, थोड़ा कॉन्फिडेंट बनो, अपने लाइफ को चेंज करो. जैसे कंसिस्टेंसी लाना, अपनी हेल्थ में इम्प्रूव करना, अपने कॉन्फिडेंस में इम्प्रूव करना, अपने रिलेशनशिप को अच्छा करना. तो ये सब चीज़ें जब आप खुद के ऊपर ट्राई करोगे, खुद इम्प्रूव हो जाओगे, तब कहीं जाके मार्केट भी आपको रिकग्नाइज करेगा आपके काम को और आपको वो सपोर्ट करेगा पैसे कमाने के. ये बहुत लोगों ने मुझको पिछले हफ्ते में मैसेजेस डाले, इसके जवाब में मैंने बोला चलो लेट्स रिवील द सीक्रेट टू यू ऑल कि हाउ यू कैन अर्न मनी आउट ऑफ ग्राफ्ट.